subscribe to ADDA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. My name is Sonu and this is our daily current affairs show. So, आज के show में मैं आपके लिए काफ़ी important questions लेकर आई हूँ. I know आपका दो तीन दिन से class नहीं हो पा रहा था, but जो आज का हमारा class है उसमें हम पीछे के सारे जो important MCQs होंगे उनको cover कर लेंगे. तो यहाँ पर जितने भी students ऑनलाइन आ चुके हैं, आप यहाँ पर session को like कर सकते हैं, session को share कर सकते हैं ताकि ज़्यादा लोगों तक ये session पहुँच पाए, ठीक है. और आज हमारा 4 PM show भी होने वाला है जिसमें हम बात करने वाले हैं SBI PO के लास्ट मिनट टिप्स के बारे में, क्योंकि कल आपका SBI PO एग्जामिनेशन होने वाला है. सो आप जो भी आपके डाउट्स होंगे वहाँ पर सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, आप उनसे वहाँ अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं. तो यहाँ पर आप ऊपर हेडलाइन भी देख सकते हैं, ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कम्फर्ट जोन्स. इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, यू हैव टू गेट ऑफ योर आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो आपको अपनी कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. यू हैव टू एक्सपीरियंस सम हार्डवर्क, आपको कुछ हार्डवर्क करना पड़ेगा, कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, तभी कुछ आप बाकी लोगों से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लाइफ में कर पाएंगे. तो चलिए देखते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डेज. फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया है हमारा और कब से कब तक मनाया गया है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है. तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. सो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो 3 से लेकर 7 जून तक मनाया गया और इस बार का जो इसका थीम रहा वो क्या था, थीम वॉज फार्मर्स. यानी इस बार जो ज़्यादा फोकस किया गया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक में वो फार्मर्स के ऊपर फोकस किया गया. ये एक इनिशिएटिव है विच वॉज स्टार्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया था. ये क्यों बनाया जाता है, टू क्रिएट एन अवेयरनेस, ताकि जो फार्मर्स होते हैं बाकी जो लोग होते हैं उनको फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए, उनको सेविंग सिखाया जाए, उनको सिखाया जाए कि कैसे हमें पेमेंट्स करना है. तो सारी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें हुई हैं. सो द मेन एम वॉज कनेक्टिंग फार्मर्स टू द फाइनेंशियल सिस्टम. जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उससे फार्मर्स को कनेक्ट करना ताकि वो भी बैंक से जुड़े, इसका मेन एम ये रहा है. अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन. जो हमारा 15वां फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है, तो ये आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप सबको पता होगा NK सिंह जो हैं वो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के क्या हैं, चेयरमैन हैं. तो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. Which organization declared 3rd June as the International World Bicycle Day? देखो 3rd June is celebrated as World Bicycle Day. World Bicycle Day जो है वो 3rd June को मनाया जाता है, but कौन सी organization ने इसको declare किया था, ये question आपसे पूछा गया है. तो यहाँ पर जो हमारा correct answer हो जाएगा वो है option number C, that is United Nations General Assembly. सो यहाँ पर आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो याद रख लेना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा बाइसाइकिल इज रिलेटेड टू द हेल्थ, तो ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर जो अनाउंस किया था UNGA ने कहे थे, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. एंड वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हेड कौन है वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So, who among the following has been given first UAE permanent residency golden card in Abu Dhabi? आपको अगर पता हो Abu Dhabi यानी UAE जो है उसने एक अनाउंस किया था कि हम परमानेंट रेजिडेंसी देंगे टू द इन्वेस्टर्स, जो उनकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे उनको. सो टोटल 6800 इन्वेस्टर्स को गोल्डन कार्ड प्रोवाइड किया गया है. तो सबसे पहला जो गोल्डन कार्ड दिया गया है, ही इज़ एन इंडियन, वो इंडिया से रिलेटेड पर्सन है, उनका क्या नाम है, यूसुफ अली. दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर. सो यहाँ पर यूसुफ अली आपको याद रख लेना है, वो इंडिया से हैं. यहाँ पर देखो गोल्डन कार्ड क्यों दिया जाता है, ताकि जो वहाँ पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए. यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी है, करेंसी क्या है, दिरहम है. सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द रिजर्वेशन कोटा फॉर OBC फ्रॉम 14% टू 27%.
कौन से यहाँ पर राज्य ने ओबीसी जो कोटा होता है उसको 14% से इंक्रीज करके 27% कर दिया है, तो उस स्टेट का क्या नाम है? उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है वो कमलनाथ हैं, आनंदीबेन पटेल जो हैं शी इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपको याद रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, What was the theme of World Environment Day 2019? ये मैं आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ। कल हमारा एक 4 PM सेशन हुआ था विच वॉज ऑल इन वन MCQ सेशन, उसमें भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है उसका इस बार का जो फोकस रहा है इट वॉज ऑन एयर पोल्यूशन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बीट एयर पोल्यूशन। सो आपको बीट एयर पोल्यूशन यहाँ से याद रख लेना है। 2018 में जो थीम था वो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, मे बी आने वाले ईयर्स में इसका नॉइज या वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड थीम हो। इसके अलावा यहाँ पर एक सॉन्ग भी लॉन्च किया गया था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के लिए विच वॉज हवा आने दे, और डेफिनेटली या तो आपसे इस डे से रिलेटेड इस सॉन्ग का नाम पूछा जाएगा या फिर आपसे इस डे का पूछा जाएगा किस दिन मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5th June, 5 June को मनाया जाता है, एंड द थीम भी पूछा आपसे जा सकता है विच इज़ बीच एयर पोल्यूशन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेडेड द कमिटी ऑफ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको उस कमेटी को किसने हेड किया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता हो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज़ कस्तूरी रंगन जो है उन्होंने इस कमेटी को हेड किया है। प्रकाश जावड़ेकर कौन है, हर्षवर्धन जी कौन है, हेल्थ मिनिस्टर हमारे कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है, प्रकाश जावड़ेकर क्या है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन, सो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस दिन ये मनाया जाता है। सो यहाँ पर देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज 4th June, 4th June आपको यहाँ पर याद रख लेना है। अभी एक ऑब्जर्व कौन करता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज करता है इस दिन को। ओके सो आपसे पूछा जा सकता है इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, तो यूनाइटेड नेशंस आप यहाँ पर बता देंगे, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ओके यहाँ पर देखो जो भी चिल्ड्रन पेन सफ़र करते हैं उससे रिलेटेड इसका एम रखा गया है ताकि इसको एक्नॉलेज किया जाए, द पेन ऑफ द सफरिंग चिल्ड्रंस, इसका पूरा एम ये रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हेडेड द कमिटी दैट सजेस्टेड 24/7 RTGS एंड NEFT एलिमिनेशन ऑफ चार्जेस। आपको पता है RTGS और NEFT क्या है, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। सो RTGS और NEFT क्या है, RTGS का फुल फॉर्म क्या है और NEFT का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो RTGS स्टैंड्स फॉर व्हाट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, आपको क्वेश्चन का आंसर बताने तब तक मैं लिख देती हूँ, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ओके एंड NEFT स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब ये दोनों ही क्या है, जो हमारे डिजिटल पेमेंट होती हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। सो हम जो ऑनलाइन हमारा पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वो NEFT RTGS के थ्रू होता है। अब जो इसको क्या किया जाता है, क्या किया जाएगा, इनको 24/7 किया जाएगा, प्लस इन पे जो चार्जेस लगते हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा। इसको हेड जो किया है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ नंदन नीलेकानी जो है उनकी कमिटी है, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर बी यानी नंदन जो है उनका नाम याद रख लेंगे। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन दिखाना आंसर के साथ में, रुको। यहाँ पर ये जो कमेटी है इसका एम क्या रहा है, इसका एम है जो हमारे पॉइंट ऑफ सेल होते हैं दैट इज POS होते हैं उनको ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट किया जाए, फर्स्ट एम इज दिस, ठीक है। आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट फॉर द RTGS, RTGS में हम कितना मिनिमम हमें करना ही पड़ेगा ट्रांसफर, तो यहाँ पर जो आपको मिनिमम ट्रांसफर करना पड़ता है वो है 2 lakh rupees। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ बिन अवॉर्डेड बाय WHO फॉर इट्स अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ टोबैको कंट्रोल, कौन से स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट को ये अवार्ड दिया गया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ किस चीज़ के लिए दिया गया है, टोबैको के कंट्रोल के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज़ राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट को मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अवार्ड, क्योंकि आपको पता है 31st जो है, आपको पता हो अगर 31st जो मई था वो हमारा कैसे मनाया गया था, वर्ल्ड टोबैको डे की तरह मनाया गया था,
उसमें क्या अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि टोबैको का यूज़ कम हो, ठीक है। तो ये आपको याद रख लिया। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अशोक गहलोत हैं, गवर्नर इज कल्याण सिंह, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। WHO के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, एंड इट्स हेड इज टेड्रोस एडहेनॉम। सो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद रख लेनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडियन हिस्ट्री। हमारे इंडियन हिस्ट्री में यंगेस्ट वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बन गई है, उनका क्या नाम है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इस बार का जो इलेक्शंस हुए थे, इट वॉज जो हमारी 17वीं लोकसभा आई है, उसमें टोटल कितनी वीमेन MPs हैं, टोटल 78 वीमेन MP हैं। लास्ट ईयर 16th में कितनी थी, जो हमारी 16th लोकसभा थी उसमें कितनी, 62 थी। आपके पास 78 MPs को अपॉइंट किया गया, काफ़ी अच्छा नंबर है, काफ़ी ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ चंद्रानी मुर्मू। तो चंद्रानी मुर्मू का नाम आपको यहाँ से याद रख लेना है। शी इज़ फ्रॉम ओडिशा, वो ओडिशा से हैं, और कौन सी पार्टी से है, बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करती हैं, BJD पार्टी से है वो, और शी इज़ फ्रॉम ओडिशा। अगर आपको पता हो, अब की बार जो हमारी वीमेन MPs अपॉइंट की गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा वीमेन MPs जो हैं, यानी जो हमारे टोटल 21 सीट्स थी उनमें से जो 33% हैं दे आर फ्रॉम ओडिशा, यानी ओडिशा स्टेट में सबसे ज़्यादा वीमेन MPs को अपॉइंट किया गया है। सो यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच स्टेट विल होस्ट द 10th नेशनल साइंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन 2020 में नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल जो है उसको कौन सा स्टेट यहाँ पर होस्ट करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज त्रिपुरा। तो आपको इस क्वेश्चन से त्रिपुरा याद रख लेना है। इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग साइंस एंड एनवायरमेंट, साइंस और एनवायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस फेस्टिवल को कंडक्ट करवाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है, यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राकेश माखीजा हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ विच बैंक। ये क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि राकेश माखीजा को कौन से बैंक का चेयरमैन बना दिया गया है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के चेयरमैन बन गए हैं राकेश माखीजा, और वहाँ के MD का नाम क्या है, अमिताभ चौधरी। सो अमिताभ चौधरी इज़ द MD ऑफ व्हाट, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में हेडक्वार्टर एक्सिस बैंक का। ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद रख लेनी थी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें आप मुझे HDFC बैंक के चेयरमैन कौन है, MD कौन है, ICICI बैंक के चेयरमैन MD कौन है, वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिन अवार्डेड विद द मेक्सिकोज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। मेक्सिको जो का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये जो अवार्ड दिया गया है वो फॉर्मर प्रेजिडेंट रह चुकी हैं इंडिया की, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज प्रतिभा पाटिल। सो प्रतिभा पाटिल जो है हमारी फर्स्ट वीमेन प्रेजिडेंट भी रह चुकी हैं और उनको मेक्सिको का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज, हु इज़ द एम्बेसडर ऑफ मेक्सिको टू इंडिया। मेक्सिको की एम्बेसडर इंडिया के लिए कौन है, ये क्वेश्चन में आपसे मैंने पूछा है। तो मेल्बा प्रिया जो है उनका नाम आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ओके, सो मेल्बा प्रिया ये कौन है, शी इज़ एम्बेसडर ऑफ मेक्सिको फॉर द इंडिया। मेक्सिको की कैपिटल एंड करेंसी क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर करेंगे। तब तक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो हु हैज़ बीन चोजन एज द वर्ल्ड ऑडिटर फॉर WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना एक ऑडिटर अपॉइंट करती है हर बार में। सो यहाँ पर जो यहाँ पर आपको बाकी ऑप्शंस नहीं दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही है, दैट इज़ राजीव महर्षि। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा मे बी, तो आपको यहाँ पर जो नाम याद रख लेना वो राजीव महर्षि का नाम याद रखना है। उनको ऑडिटर बनाया गया है WHO का। अब वो क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ही CAG ऑफ इंडिया, वो CAG हैं इंडिया के। इससे पहले उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ऑडिटर ऑफ फिलीपींस, उनसे पहले कौन थे, राजीव महर्षि से पहले थे ऑडिटर ऑफ फिलीपींस जो थे, वो उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, सो रुमा गुहा ठाकुरता पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज, वो कौन से फील्ड से यहाँ पर रिलेटेड थी, वॉज शी एक्टर, सिंगर, डांसर, या फिर बोथ ए एंड बी, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। तो रुमा गुहा ठाकुरता से जो आपको याद रख लेना है वो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। यानी वो क्या थी, एक्टर और सिंगर दोनों ही थी। आंसर
ओके वो क्या थी, वो एक्टर भी थी और वो सिंगर भी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग. जो इलीगल फिशिंग होती है उससे रिलेटेड इंटरनेशनल डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. जिस दिन ये मनाया जाता है उस दिन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी मनाया जाता है. दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर. आंसर ठीक है, तो आपको यहाँ से 5 जून याद रख लेना है. अब यहाँ पर देखो इसको मनाता कौन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस दैट इज एफएओ. एफएओ मनाता है किसको, इस दिन को. अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है अगेन, हु इज द हेड ऑफ एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हेड कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो याद रख लेना है वो आपको याद रखना है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, रोम इटली में है. और इसकी हेड का क्या नाम है, ठीक है, सो जोश ग्रेजियानो डा साल्वा, ठीक है, ये इनका नाम है जो आपको यहाँ पर याद रख लेना है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिया की इकनॉमी है वो कितने परसेंट ग्रो करने वाली है इन द ईयर 2019 एंड 2020. हमारे इंडिया की इकनॉमी का एस्टिमेशन कितना रखा है वर्ल्ड बैंक ने, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए. वर्ल्ड बैंक ने अगर एस्टिमेशन रखा है तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7.5%. तो यहाँ से जो आपको याद रख लेना है 7.5% याद रखने हैं. अब इस रिपोर्ट का क्या नाम था, इस रिपोर्ट का जो नाम था वो था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट आउटलुक. ठीक है, सो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट आउटलुक रिपोर्ट जो था उसमें बताया था वर्ल्ड बैंक ने कि इंडिया का जो जीडीपी रेट रहेगा वो ग्रोथ रेट रहेगा इकोनॉमी का वो 7.5% रहेगा. हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट कौन है, डेविड मलपास हैं. सो डेविड मलपास इज द प्रेजिडेंट ऑफ व्हाट, वर्ल्ड बैंक. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको बताना है हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है. हु हेडेड द कमिटी ऑन ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल इन द न्यू दिल्ली. ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल से रिलेटेड एक मीटिंग हुई थी, कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी. उसको हेड किया था हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने. और हमारे हेल्थ मिनिस्टर का क्या नाम है, प्रकाश जावड़ेकर यहाँ पर हैं, वो क्या हैं, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं. लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज डॉक्टर हर्षवर्धन जो क्या है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं. अब उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रख लेना चांदनी चौक, चांदनी चौक विच इज़ ए न्यू दिल्ली इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ वर्ड हर्ष, डॉक्टर हर्षवर्धन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस डी जी ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स हैज़ बिन रिलीज. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जो हमारे जेंडर इक्वालिटी होता है जिसमें मैन एंड वीमेन को बिल्कुल सिमिलर राइट्स दिए जाएँ उसमें इंडिया का कितना रैंक है, यानी इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इक्वालिटी के बेसिस पे. तो यहाँ पर देखो कौन से कंट्री ने टॉप किया है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ 95. यानी जहाँ पर हमारा जेंडर इक्वालिटी की बात आ जाती है, समानता की बात आ जाती है, वहाँ पर इंडिया कितना स्टैंड लेता है, 95 स्टैंड लेता है. आउट ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज, कितनी कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था. सो आप अगर देखेंगे इंडिया की कंडीशन बहुत ही बुरी है. टोटल यहाँ पे जो कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया दे वर 129 कंट्रीज़, जिसमें इंडिया का रैंक जो रहा वो 95 रहा. ओके, और यहाँ पर जो टॉप किया वो किस कंट्री ने टॉप किया आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में बताना है. तो यहाँ पर जो कंट्री ने टॉप किया वो थी डेनमार्क. सो डेनमार्क ने यहाँ पर टॉप किया है. डेनमार्क का कैपिटल ओकेंसी क्या है आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. डेनमार्क का जो पोजीशन रहा वो फर्स्ट रहा. चाइना का क्या पोजीशन रहा, सो चाइना और पाकिस्तान का पोजीशन भी आपको पता होना चाहिए. चाइना का जो पोजीशन था वो था 74 और पाकिस्तान का जो पोजीशन था वो था 113. सो पाकिस्तान किस पोजीशन पे था, 113 पोजीशन पर था. ये सारे रैंक्स जो हैं आपको यहाँ पर याद रख लेनी है. हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द जे सी डैनियल अवार्ड. जे सी डैनियल अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, एंड शी इज़ एन मलयालम फिल्म एक्टर, वो मलयालम फिल्म एक्टर भी हैं. उनका क्या नाम है, यहाँ पर उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शीला जीशी. सो ये जो अवार्ड है जे सी डैनियल अवार्ड है वो क्या है, हाइएस्ट मलयालम फिल्म अवार्ड है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
who authored the book Cricket World Cup, the Indian Challenge. Cricket World Cup, Indian Challenge जो book है वो किसने author की है, जिसमें हमारे जो tournament होते हैं World Cup से related जितने भी tournament हुए हैं उनकी पूरी history को compile किया गया है. तो उनका जो नाम है वो option number A है, that is Ashish Ray. सो ए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर. एक नई बुक आई है, मैंने पीछे की जो बुक्स हैं वो सारी आपको कवर करवा दी हैं. ये जो नई बुक है आप उस पूरी, अगर आपने वो पूरा लिस्ट रखा हुआ है तो आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं. डेफिनेटली क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है. तो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. एलन टी फाइनेंशियल सर्विसेज लोन डिजिटल सखी इन विच स्टेट. एलन टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उन्होंने एक डिजिटल सखी करके लॉन्च किया है, लेकिन कौन से स्टेट में लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव आपसे पूछा गया है. देखो इसका एम क्या है, विमेन को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड ये है. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, हर एक पर्सन को बैंकिंग से जोड़ा जा सके. ठीक है, सो एवरी पर्सन शुड बी कनेक्टेड टू द बैंकिंग इज वॉट इट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन. यहाँ पर मेन नेम जो रहने वाला है वो वुमेन्स को फाइनेंशियल सिस्टम से कनेक्ट करना रहने वाला है, इसलिए इसका नाम डिजिटल सखी रखा गया है. तो यहाँ पर देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज तमिलनाडु. तो यहाँ से जो आपको याद रख लेना है वो तमिलनाडु याद रख लेना है. ओके, सो यहाँ पर रूरल वुमेन्स जो वहाँ पर होंगी उनको सिखाया जाएगा वट इज़ डिजिटल पेमेंट, कैसे आप वहाँ पर डिजिटल पेमेंट कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर लिटरेसी दी जाएगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. ओके, सो दिस इज़ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. आज के सेशन का ये फाइनल क्वेश्चन है, और भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे. सेकेंड ग्लोबल डिसेबिलिटी सबमिट विल बी हेल्ड इन विच सिटी. हमारा जो दूसरा ग्लोबल डिसेबिलिटी सबमिट है उसको कौन सी सिटी में यहाँ पर कनेक्ट करवाया गया है. वो जो भी सिटी है वो क्या है, अर्जेंटीना की कैपिटल भी है, दैट इज़ ब्यूनोस एरिस. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको आंसर याद रख लेना है, वो अर्जेंटीना की कैपिटल, अर्जेंटीना की करेंसी क्या है, पीसो है. सो हटा दीजिए स्लाइड. ओके, सो आज के सेशन में हमने टोटल 23 क्वेश्चंस किए हैं. 23 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर ठीक हुए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एज एंड आई होप कि आप यहाँ पर 4 PM सेशन भी देखेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं एज वे PU से रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे. Subscribe to ADDA 247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos.